अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने कश्मीर के सभी भटके बेटों की माओं से अपील करते हुए कहा कि वे उन्हें बुलाकर सरेंडर करवा लें, नहीं तो वो मारे जाएंगे। I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि पुलवामा में सेना की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे गए हैं और इसमें सेना के 4 जवान समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 सिपाही की भी शहादत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कश्मीर घाटी में जैश का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया है। गौरतलब है कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। न्यूज डेस्क।